गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 के लिक्विड पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 151। चलिए, तो मैटर, लिक्विड भी एक मैटर है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्टिविटी, टेक सम वाटर इन ए ग्लास टम्बलर, लुक एट द शेप ऑफ द वाटर, पॉर दिस वाटर फ्रॉम द टम्बलर इनटू अ बॉटल, डज द शेप ऑफ द वाटर रिमेन द सेम, टेक 5 vessels of different shapes, pour water into all these vessels in the shape of the water the same in all the vessels. When we pour water into a container or vessels, it takes the shape of the container in which it is kept. Water has no shape of its own. If we pour water on the floor, can you gather it or heap it with your hands? No. Liquids cannot be heaped. They flow from high to low level. देखिए, बोल रहा है एक लिक्विड मैटर के बारे में कि लिक्विड जो है वो जिस कंटेनर में, जिस तरीके के बर्तन में जाता है, उस शेप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप आइसक्रीम कभी अपने फ्रिज में जमाया होगा, तो आप कप में अगर डालकर रखते हो तो वो कप शेप का बन जाता है, ग्लास में डालकर रखे हो तो ग्लास शेप में, तो वैसे ही वो चाहे वाटर हो चाहे कोई लिक्विड हो, उनका एक प्रॉपर्टी ये है कि वो जिस तरीके के बर्तन में रखे जाते हैं, वैसे देखो इस बर्तन में रखा तो ये पूरा फैल गया, इसमें रखा था मटके के शेप का हो गया, इसमें रखा तो देखो ग्लास के शेप का हो गया। ऐसे ही दूसरी बात ये है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनको आप ही, उनको आप दबा नहीं सकते, उनको एक साथ मैश नहीं कर सकते, अपने हाथों से उसको पकड़ नहीं सकते, है ना। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो जैसा कंटेनर हो वैसा अपना शेप चेंज कर ले, जिसको आप हिप दबा ना सकें, है ना, और जिसे आप पकड़ कर ना रख सकें, वैसा चीज़ क्या कहलाता है? लिक्विड। वैसा मैटर कौन सा होगा? लिक्विड मैटर। ए मटेरियल लाइक वाटर इज कॉल्ड ए लिक्विड। ए लिक्विड फ्लोज इजली एंड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। ए लिक्विड कैन फ्लो मोर इजली देन ए सॉलिड। ए लिक्विड हैज़ वेट। ठीक है, तो जो जो वाटर जैसा कोई भी चीज़ होगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? लिक्विड कह सकते हैं। लिक्विड आसानी से फ्लो करता है। आपने देखा होगा अगर आप ज़मीन पर पानी डाल दें तो वो कैसे फ्लो हो जाता है, है ना। तो हमेशा जो लिक्विड है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ फ्लो करता है, और जैसे बर्तन में डालेंगे वैसे हो जाएगा, है ना। और लिक्विड के पास भी वेट होता है, हर मैटर के पास वेट होता है। तो क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स में पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, मिल्क, मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा। जो आप फूड्स कुक करते हैं ना, सब वेजिटेबल्स जब आप कुक करते हैं तो उस टाइम जो हम लोग लिक्विड डालते हैं ऑयल, है ना, उसको आप लिक्विड्स के अंदर काउंट करेंगे। जो आप मिल्क पीते हैं वो, जो आप जूस पीते हैं वो, की सारी क्या है? लिक्विड्स है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैसेस पढ़ेंगे कि गैस क्या होती है। ठीक है, तो लिक्विड में ध्यान रखिएगा, लिक्विड वाटर लाइक जो सब्सटेंस होगा वो लिक्विड होता है। जो लिक्विड होते हैं वो आसानी से फ्लो कर लेते हैं सरफेस पे, और जैसा कंटेनर में जिस तरीके के बर्तन में रखेंगे वो उस तरीके के बर्तन में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। और जो लिक्विड होंगे उसको आप हैप नहीं कर सकते, उसको अपने हाथों से पकड़ नहीं सकते, है ना, और इनका खुद का वेट होता है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में गैसेस।